अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कहीं मेरे पहुंचने से पहले फिर आंसर ना पहुंच जाए शॉप पर। अरे हटिए राजन। बैगन के साथ और क्या बोला था आपने? आलू। आलू कहीं की? आलू ये तू कहाँ डाला जा रहा है? आलू की तरह तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? ये गाजर, मूली, आलू, बैंगन सब्जी मत बन, पनीर बन। पनीर, पनीर जो है ना छोटे लोगों की रसोई में बड़े मुश्किल से आता है। अपनी लाडली दीदी को समझा कि पूजा करा ले और बला टाले। माँ, मैंने आज तक दीदी को किसी चीज के लिए फोर्स नहीं किया है। अभी अभी देखा हमने अपनी आंखों से कि कैसे वो हरि का भाई राजन तुझे देखते हुए गया। मतलब वो भी तुझे पसंद करता है। ज्योति की शादी हरि से होगी ना तो बोनस में तेरी शादी राजन से होगी। जबरदस्ती करने के लिए नहीं कह रही हूँ, समझा उसे। तेरी बात कभी भी टाले की हूँ। माँ सॉरी, लेकिन मैं दीदी को फोर्स नहीं कर सकती। तो ठीक है, बनी रहे आलू, पड़ी रहे इन सब्जियों के बीच में, और राजन के साथ सपने देखना बंद कर। दिल का ये काला है, जहर का प्याला है, बात करे कोई नखरी, नाम हरी, नाम हरी, नाम हरी, नाम हरी, नाम हरी, तुम नाम हरी। बहुत सोचा हमने, सोच सोच के खोपड़िया सोच गया, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि नाच गाने का रंगारंग कार्यक्रम हो जाए। और देखो जगह भी कितनी प्यारी है ना, फिर लगा कि नहीं पकड़, ये तो फिल्मी लगता है, नौटंकी लगेगा। और मेरा जो रिश्ता है ना एकदम सीरियस वाला है, इसीलिए हमने रात भर जग कर आपके लिए प्रेम पत्र लिखा है। सुनो, अपने कान अलर्ट कर लो। सेवा में सविनय निवेदन है कि अभ्यर्थी श्रीमान हरि गौर आपके प्रेम में विचलित रहता है। उसके विचलित हृदय को शांति देने के लिए निवेदन है कि ज्योति वासु दीक्षित की सुपुत्री विवाह के बंधन में बन जाए और पूर्ण रूप से हरि की ज्ञाता बन जाए। अरे बजाओ रे, बजा बजा। हरी बंद करो ये सब। देखो हरी, इस वक्त मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरा काम है, मेरी दुकान, मेरा ऑर्डर जो मुझे टाइम पे पूरा करना है। लगता है आपने हमारा प्रेम पत्र ढंग से सुना नहीं। एक बार फिर सुनाते। सभी ने निवेदन है। हो गया, अब रास्ता छोड़ो मेरा। शादी ब्याह इन सबसे कई बड़े हैं मेरे और मेरे पापा के सपने। आज लाइफ का सबसे बड़ा ऑर्डर मिला है मुझे, जिसे पूरा होते ही हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। सो प्लीज। अरे रुको रुको, ये क्या सपना सपना लगा रखा है तुम्हें? हमारी फिल्म की कदर नहीं है क्या?
हमने रात भर जाग के तुम्हारे प्रेम पत्र लिखा, तुम दो मिनट ले सुन नहीं सकती थी? क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा अगर सुन लेती तो? ये औकात है तुम्हारी और तुम्हारे इस लेटर की। कपड़े बदलने से इंसान का कैरेक्टर नहीं बदल जाता। तुम्हें ना कपड़े नहीं, अपनी सोच बदलने की जरूरत है। जब देखो हमारे सामने आके खड़े हो जाते हो, सब्जी फल समझे हो कि कभी भी आके भाव लगा दोगे, जाके कभी अपने आप को आईने में देखना, तब समझ आएगा हम तुम्हें क्या समझते हैं। ये सूट बूट पहन के काश तुम में भी समझ आ जाती कि शादी के अलावा लड़की के भी सपने होते हैं, पर तुम क्या समझोगे, तुम तो बैल बुद्धि हो। एक कच्चा बनियान वाले आदमी हो तुम, ये औकात है तुम्हारी। या, ये क्या बात हो गई? भाभी फिर से भाषण देके चली गई। मेरी भाभी वो सपना सपना चिल्ला रही थी। साला हमें तो लगता है हमसे ज़्यादा सपने से प्यार करती है। यानी हमारे और उसके बीच ये सपना ही विलन बनके बैठा हुआ है। इस सपने का तो कुछ करना पड़ेगा। 9 बार सपना सपना बोल के गई। चलो सपना ही तोड़ देते। वेलकम मैम। वेलकम सर। क्या लेंगे आप? चाय, कोल्ड ड्रिंक? आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। सॉरी, जगह थोड़ी छोटी है। काम की बात हो जाए। तुम फैब्रिक दिखाने वाली थी। जी वेदांत सर, उसी के बारे में बात करनी थी। आप आइए ना इस तरफ। मिस्टर वेदांत को जानते हैं ना आप? कावेरी डिजाइन स्टूडियो के मालिक। हाँ जानता हूँ। उनकी कंपनी की ऑर्डर की स्लिप है ये। कितना बड़ा ऑर्डर है। इस वक्त मैं और मेरी दुकान आपके लिए उधारी के लिए बहुत छोटे हैं, पर एक मजबूत और लंबे रिश्ते की मैं नींव डालने आई हूँ आज, जिससे इज्जत भी कमाएंगे और पैसे भी। सिर्फ एक बार भरोसा करके तो देखिए। जब पहली बार इस गद्दी पर आप बैठे थे, आप पर भी तो किसी ने भरोसा किया होगा ना। शुक्र है सेठ जी ने मुझे समान उधार पर दे दिया। जय महाकाल सर जी। जय महाकाल। मैं वासु, ज्योति मेरी छोरी है, मैं उसका पापा। वेदांत सर, आपका ऑर्डर आपको टाइम से पहले मिलेगा। वेदांत सर, आपका ये ऑर्डर मेरे लिए सिर्फ ऑर्डर नहीं है, बल्कि मेरे सपनों की तरफ पहला कदम है। गुड, आई जस्ट होप काम टाइम से पूरा हो जाए। चले। एक कच्चा बनियान वाले आदमी हो तुम, ये औकात है तुम्हारी। शादी के अलावा लड़की के भी सपने होते हैं। हमारे सपने से बड़ा सपना किसी का हो नहीं सकता, और अब किसी को हमारे बीच आने नहीं दूंगा। ना कोई ऑर्डर, ना कोई सपना। स्वाहा।
एक सुनहरी सी सुबह हमारा इंतजार कर रही है। तू देखना हमारा काम ना सबसे अच्छा चलेगा। फिर तेरी धूमधाम से शादी करवाएंगे, ताई जी के लिए गहने लेंगे, पापा के लिए सूट लेंगे और यहाँ पे एक बड़ा सा रेड कारपेट होगा और ये झूमर लगाएंगे और तू फिर पिंक लहंगा पहन के ऐसे चल के आएगी राजकुमारी की तरह। क्या सच में दी? हाँ। फिर तुझे कुछ भी चाहिए होगा ना तू ले लेना। चलो भाई अब क्या दिवाली मनाओगे? हेलो, और फिर हेलो, देखिए ज्योति उम्मीदों से सजी शाम 6:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।